बारिश भी हो रही है, वीडियो आवाज सुन सकते हैं, तो वीडियो हम अब कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, हम अपनी वीडियो में टाइम कैसे सेट करें ताकि हमारा जो वीडियो है, जो भी टाइम में हम सेट करना चाहें, उस टाइम पे ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाए। यानी हम अपनी वीडियो में शेड्यूल कैसे करें ताकि इस फीचर से हम अपनी वीडियो को कोई टाइम बाय टाइम वीडियो को पब्लिक कर पाए। तो चलिए हम आपको प्रॉपरली बता देते हैं कि हम अपनी वीडियो में टाइम कैसे सेट करेंगे, यानी हम अपनी यूट्यूब वीडियो में शेड्यूल कैसे करें ताकि हमारा जो वीडियो है वो सही टाइम पे, कोई भी टाइम सेट करें, उस टाइम पे ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाए। यानी प्रॉपरली हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे और प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे ताकि आप भी अपने वीडियो में आसानी से कर। बारिश भी हो रही है, वीडियो आवाज सुन सकते हैं, तो वीडियो हम अब कंटिन्यू करते हैं, तो आपको प्रॉपरली बता देंगे। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हम अपनी वीडियो में एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि आप मान लीजिए आज पूरा दिन भर आप फ्री हैं, आप पर डे वीडियो YouTube पर अपलोड करते हैं, एक टाइम पे कोई भी टाइम पे आप पर डे वीडियो अपलोड करते हैं। आज ही आप अपने चैनल के लिए तीन वीडियो को क्रिएट कर लिए हैं, तीन वीडियो को आप बना लिए हैं, आप चाहते हैं कि हम तीनों वीडियो को आज ही अपलोड कर दें, आज अपलोड कर देने का नहीं, कोई भी पब्लिक करके नहीं, अनलिस्टेड या प्राइवेट करके अपलोड कर दें। तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं क्या कि जब अपने अपने वीडियो में टाइम सेट कर दीजिएगा तो आप कल परसों यानी दो तीन दिन के लिए जो वीडियो बनाए हैं, तीन दिन के लिए जो वीडियो आप अपलोड कर दिए आज हैं, तो आपका जो उस वीडियो में टाइम सेट कर दीजिएगा, टाइम डेट, तो वो टाइम डेट पे ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा। आपको उस वीडियो पे आज अगर सेट कर दीजिएगा टाइम, तो उस कल परसों आपको उस पे कुछ भी नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर हो गए? यानी एक बार शेड्यूल कर देने के बाद आपका जो वीडियो है कल के लिए शेड्यूल किया है, तो वो कल ऑटोमेटिक जो आप टाइम सेट किए हैं वो उस टाइम पे वो पब्लिक हो जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर हो गया? तो अब चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरह शेड्यूल करते हैं, अपने अपने वीडियो में किस तरह टाइम सेट करते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ हम आपको बताते हैं किस तरह अपनी वीडियो में टाइम सेट करें। तो दोस्तों, हम चले हैं अपने मोबाइल के ऐप यूट्यूब ऐप पे। सिंपली आपको जिस वीडियो पे टाइम सेट करना है उस वीडियो को पहले अपलोड कर लेना है, ठीक ना। अपलोड करने के सिंपली यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ अपलोड ए वीडियो पे क्लिक करना। अपलोड ए वीडियो पे क्लिक कर लेने के बाद सिंपली वो जो वीडियो पे टाइम सेट करना चाहते हैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। सिंपली ये वाला वीडियो हम टाइम सेट करना चाहते हैं, इस वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, तो सिंपली ये वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ मेन जो है टाइम सेट करना, आप यहाँ से भी आप आसानी से टाइम सेट कर सकते हैं। सिंपली आप अपने वीडियो का थंबनेल लगाना चाहते हैं थंबनेल लगा लीजिए, उसके बाद टाइटल जो भी लिखना चाहते हैं आप आसानी से टाइटल लिख दें। उसके बाद यहाँ सब उसके बाद यहाँ जो आता है हम जो आपको बताएंगे वो वीडियो पे टाइम सेट करके बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आप टाइटल लिखना चाहते हैं अपने वीडियो का वो लिख सकते हैं, थंबनेल जो वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। सिंपली समझ गए? उसके बाद यहाँ सिंपली हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, टाइटल में सिर्फ टेक लिख दिए। चलिए टेक लिख दिए। उसके बाद हम आप टाइम सेट करके दिखाएंगे। टाइम सेट करने के लिए यहाँ देख सकते हैं विजिबिलिटी का ऑप्शन है, सिंपली विजिबिलिटी पे क्लिक कर देना। उसके बाद हमारे सामने में कई ऑप्शन चले आते हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट। सिंपली यहाँ समझ गए हैं, तीन ऑप्शन हमारे सामने में है। उसके बाद हमें करना है अपने वीडियो पे टाइम सेट करना है। टाइम सेट करने के लिए सिंपली यहाँ शेड्यूल का ऑप्शन बना हुआ, तो शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मेन जो फंडा है टाइम सेट करने का यहीं पे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टाइम, यहाँ देख सकते हैं टाइम वगैरह जितना भी है, यहाँ पब्लिश एस पब्लिक के नीचे यहाँ टाइम है बॉक्स में बना हुआ, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद जिस भी टाइम जिस भी डेट को आप अपना वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं उस डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना, चाहे आप आज जैसे कल का डेट में आप करें, या आप कल का डेट में, या एक महीना दो महीना जितने जितने भी जो भी डेट को आप सेलेक्ट कीजिएगा वो डेट पे ऑटोमेटिक आपका जो वीडियो है वो पब्लिक हो जाएगा। उस वीडियो पे आपको अभी आप अगर आप टाइम सेट कर दीजिएगा, टाइम और डेट सेट कर दीजिएगा, तो आपको उस वीडियो पे कुछ भी नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा। आपका जो ऑडियंस है, आपका जितने ऑडियंस आपके जितने व्यूअर्स हैं, वो आसानी से उस वीडियो को उस डेट पे जिस डेट को आप सेलेक्ट कीजिएगा उस डेट को उस डेट पे उस देख पाएंगे, जिस भी टाइम में आप सेलेक्ट कीजिएगा उस टाइम पे देख पाएंगे। सिंपली समझ गए? उसके बाद आपको करना है क्या, जिस भी डेट को सेलेक्ट करना है उस डेट को यहाँ सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। हम सिर्फ 10 तारीख सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। जब तक आप डेट को पहले सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका जो है टाइम सेट करने का ऑप्शन नहीं देगा। सिंपली समझ गया? उसके बाद जो मेन फंडा है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप सुबह का टाइम अगर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए अगर हम पहले आपको बता देते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको, मान लीजिए हम करना चाहते हैं शाम का टाइम में, शाम का टाइम में 4 बजे मेरा वीडियो पब्लिक हो, तो सिंपली हम करेंगे क्या, यहाँ 4 पे क्लिक कर देंगे, यहाँ 4 बजे हो गया। उसके बाद हम अपने मिनट अगर जितने भी 4 बजकर जितने मिनट पे आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप आसानी से अपना मिनट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हम पूरा पूरी 4 पे रख दें, पूरा पूरी 4 बजे ही मेरा वीडियो पब्लिक हो जाए। समझ गए? उसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं AM और PM, सबसे मेन जो पॉइंट है आपको यहाँ पे ध्यान देना, यानी पूरा आपको ध्यान देने वाली बात है क्या, AM और PM।
यहाँ आप समझ जाइएगा तो आपका जो वीडियो है वो सही टाइम पे पब्लिक होगा। अगर ये समझ नहीं पाइएगा तो आपका जो वीडियो है वो सही टाइम पे पब्लिक नहीं होगा। तो चलिए आप बोलिएगा ये कैसे, तो हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं AM और PM, पहले AM के बारे में आपको बता देते हैं। AM का मतलब हो गया अपराह्न, यानी 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक अपराह्न रहता है, यानी 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक, सुबह 12 बजे दिन तक, वो हो गया अपराह्न AM आपको सेलेक्ट करना। अगर 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन के बीच में आप कोई टाइम सेलेक्ट करते हैं, उस टाइम में जैसे मान लीजिए सुबह का 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने बजे, यानी 12 बजे से नीचे 11 बजे, यानी इतने बजे तक आपका जो टाइम होगा ये AM में आएगा। यानी अगर शाम में, अगर सुबह का टाइम हम करना चाहते हैं, यानी सुबह 4 बजे मेरा वीडियो पब्लिक हो, तो हम AM करके पब्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक ना। अगर हम चाहते हैं कि शाम में पब्लिक हो, यानी शाम में, तो आपको करना है क्या, 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक ये PM में आता है, यानी 12 बजे दिन से लेकर मान लीजिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक आपका हो जाएगा PM, जैसे 12 बजे तो AM हो जाएगा, 12 बजे से नीचे। यहाँ तक समझ गया, हम शाम में, यानी शाम का टाइम 4 बजे वीडियो पब्लिक करना चाहते हैं, तो यहाँ करना है क्या, PM पे क्लिक कर देना है, PM पे क्लिक कर देना है। PM पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपको करना है क्या, ओके पे, बीन जो है यहाँ पे, यहीं पे आपको सर्च कर लेना AM और PM, ये दोनों आपको क्लियर समझ लेना है, समझ गया। अगर नहीं समझे तो हमें वीडियो में ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो हम वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से पूछेगा, हम आपके जब सवालों को जब कमेंट्स के माध्यम से दे पाए तो कमेंट्स के माध्यम से देंगे, नहीं तो आपको वीडियो के माध्यम से प्रॉपरली बता देंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट्स में हमें पूछ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको करना है क्या, चलिए अब ओके पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 10 तारीख 2022 को 4 बजे शाम में PM दिए हैं, तो शाम का टाइम हो गया PM, सुबह का टाइम अगर देते हैं तो यहाँ AM देते, 4 बजे सुबह देते तो यहाँ AM देते, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको करना है क्या, बैक हो जाना। आप उसे प्रीमियर करना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली प्रीमियर पे बॉक्स कर पे क्लिक करके उसके बाद बैक हो जाना। अगर आप प्रीमियर नहीं करना चाहते, सिर्फ ओनली पब्लिक करना चाहते हैं, उस टाइम पर ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाए, तो सिंपली प्रीमियर नहीं करना चाहते तो अनटिक कर देना, उसके बाद बैक हो जाना। बैक हो जाने के बाद आपको करना क्या, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद नो इट नोट मेट फॉर किड्स पे क्लिक करना, उसके बाद अपलोड ए वीडियो पे क्लिक कर देना। हम अपलोड ए वीडियो पे क्लिक कीजिए, ये वीडियो यहाँ देख सकते हैं अपलोडिंग हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं ऊपर में ये वीडियो अपलोड करने होना शुरू हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हम जो वीडियो यहाँ टाइम सेट किए इस वीडियो पे, अगर दो बार, यानी इस वीडियो पे हम चाहते हैं कि जो टाइम हम सेट किए हैं उस टाइम पे नहीं, दूसरा टाइम, अगर उस टाइम को हम चेंज करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए एग्जांपल कल के लिए आप सेलेक्ट किए हैं, अगर परसों आप उस वीडियो को फिर से अपलोड करना चाहते हैं, यानी उस वीडियो को परसों पब्लिक करना चाहते हैं, तो उसका भी आप टाइम सेट, यानी टाइम को चेंज कर सकते हैं। उसे करने के लिए सिंपल आपको करना है बैक हो जाना है, उसके बाद आपको मोबाइल के YT स्टूडियो में चले, यहाँ देख सकते हैं इस वीडियो पे टाइम सेट किए हैं 10/22/2022 4 बजे, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपको यहाँ पेंसिल पर क्लिक कर देना है, पेंसिल पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल, यहाँ विजिबिलिटी यहाँ शेड्यूल किया हुआ है इस वीडियो पे, जो हम करके दिखाए थे उस पर, इस पर क्लिक कर देना। फिर इस पर यहाँ देख सकते हैं टाइम का ऑप्शन है, टाइम पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ जो भी टाइम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से फिर से आप सेम उसी तरह जिस तरह आपको बताएं सेम उसी तरह आप यहाँ से कर सकते हैं ऑटोमेटिक। ये समझ गए, क्लियर हो गया। आप जो भी टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए पहले से कोई वीडियो अपलोड करके रखें, पब्लिक मोड पर नहीं, प्राइवेट या अनलिस्टेड मोड पे करके वीडियो को अपलोड करके रखें, तो सेम उसी तरह जिस तरह YT स्टूडियो में आके आपको आप टाइम चेंज करके दिखाएं, सेम उसी तरह आप भी आके आप अपने वीडियो पे टाइम यानी सेट कर सकते हैं टाइम। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आई होप आप समझ ही गए होंगे किस तरह वीडियो पे टाइम सेट करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। चलिए अब दूसरी वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।